बिहार में सब्जियों की कीमत इन दिनों आसमान छू रही है और इस वजह से आम लोगों के बजट पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। लोगों की जेब ढीली हो रही है और थाली में भरकर सब्जी भी नहीं परोसी जा पा रही है क्योंकि सब्जी की कीमत इतना महंगा हो गया है। आखिर क्या कुछ वजह है और कीमत महंगी होने से लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लोग बता रहे हैं, जानते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा, हम तो 2 साल के बाद अंटा घाट आए हैं तो इतना महंगा सब्जी है, सोच रहे क्या ले क्या नहीं ले। बजट पूरा बिगड़ गया, पूरा बिगड़ा हुआ ही है, बजट का बिगड़ा, आदमी ही बिगड़ा हुआ है पूरा। क्या मानती है कितना महंगा होने का, क्या कुछ पता नहीं, कोई सब्जी या तो उपज नहीं होगा या कीड़ा खा रहा होगा सब्जी, इसलिए महंगा है। क्या किस रेट में आपको सभी सब्जियां मिल रही हैं, 50 से नीचे है? 50 से नीचे सब सब्जी महंगा है, सब सब्जी महंगा है। परवल 70, टमाटर, बैंगन जो इतना सस्ता रहता है 50 रुपये 60 रुपये किलो, वो भी चल रहा है सब्जी का रेट बाजार। सब्जी तो रेट अभी महंगा है, कोई भी सब्जी 50 रुपये से किलो कम नहीं है, एक दो को छोड़कर। नेनुआ है 30 रुपये 40 रुपये है, भिंडी है 30-40 है, बाकी गोभी लीजिए या परवल लीजिए सब 60-60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये है, काफ़ी महंगा है। प्याज पहले हम लेते थे 120 रुपये पसेरी, अभी 200-220 रुपये पसेरी चल रहा है, दुगना प्याज का दाम हो गया है। तो कोई भी सब्जी महंगा नहीं है, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। जब इस समय अगर बात करें तो फेस्टिवल सीजन, ऊपर से सब्जी का महंगा, बजट का क्या है? बजट तो ऐसा है कि आदमी का बजट का समझिए वो तो ऐसी की तैसी हो गई है, बजट का कुछ भी कहना नहीं है। जनरल आदमी तो जीवन यापन करना मुश्किल है उसके लिए। सब्जी तो अभी काफ़ी महंगा हो गया है, 60 रुपये के किलो परवल हो गया है, 50-60 का बैंगन मिल रहा है, सारे सब्जी का बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा है। अभी पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, जब मार्केट में आप 500 का नोट खुला करो और सब्जी आपसे एक थैला भी नहीं भरने वाला है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। अभी तो आपका जैसे बैंगन हो गया ये सब सस्ता मिलना चाहिए, भिंडी हो गया, परवल हो गया, ये सब का रेट सस्ता होना चाहिए, जिसका रेट अभी डबल लग रहा है, डबल लग रहा है काफ़ी। कोई भी 20 का माल 50-60 रुपये किलो से कम नहीं है। हरे सब्जी अभी गोभी ले लिए 40-50 रुपये पीस से कम नहीं बिक रहा है, 30-40-50 रुपये सब्जी हो गया, 50-60 रुपये किलो से कम नहीं है कोई भी सब्जी। टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा है। आलू प्याज का क्या है? आलू तो वही अभी बोरा में 800 रुपये पैकेट चल रहा है और नया आलू 100-120 रुपये पसेरी बिक रहा है। प्याज है 40 रुपये किलो बिक रहा है, 40 से लेकर 50 रुपये किलो तक। भाव में तेजी आ गया, क्या मानते हैं? डीजल और पेट्रोल और जहाँ तहाँ पानी भर रहा, अभी लोकल सब्जी नहीं है मार्केट में, सब बाहर से सब्जी आ रहा है। बाहर से इस बार भाड़ा ज़्यादा लग रहा है। हाँ भाड़ा ज़्यादा लग रहा है, पेट्रोल डीजल जानते हैं कि तेज हो गया है। कदुआ 30 रुपये पीस है, भिंडी वही 40-50 है। कदुआ 30 रुपये पीस, 30 रुपये किलो। हाँ महंगा तेल के वजह से हो रहा है। तो जहाँ लोगों ने कहा कि सब्जी काफ़ी महंगा हो गया है और अब वह बाजार में 500 रुपया लेकर के पहुंचते हैं और भर थैला सब्जी भी लेकर नहीं जा पाते हैं, वहीं जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि बिहार में इस बार बाढ़ ने भी काफ़ी बुरा प्रभाव डाला है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही हैं, ये 2-3 प्रमुख कारण है जिस वजह से सब्जियों की कीमत में इन दिनों काफ़ी इजाफा हुआ है। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।